नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे और क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा। दोस्तों, वैसे ट्रेड प्लान में तो ऐसा है कल के लिए कि केवल कल प्रॉफिट बुकिंग करने का मेरा प्लानिंग है, कोई नया ट्रेड शायद हमें करने का चांस न मिले। ठीक है, तो कल के लिए मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान नहीं किया हूँ। कल एक्सपायरी भी है और आज मार्केट में उम्मीद से कहीं ज्यादा और कहीं अच्छा मूवमेंट आया है। मैं इस मूवमेंट से बहुत हैप्पी हुआ, बहुत खुश हुआ, क्योंकि बहुत दिनों बाद ना इस तरीके से मूवमेंट मुझे मिला और ट्रेड भी बहुत अच्छा मिला। ठीक है, मैंने बैंक निफ्टी में इसी लेवल से आप लोगों को बताया था कि 43,650 के बाद इसमें 44,100 ये एक रजिस्टेंस बन रहा है, अगर इसके ऊपर निकल गया। हालांकि मेरा व्यू था कि थोड़ा देर बाद निकले, लेकिन पोजीशन ऑलरेडी बना हुआ था। ठीक है, तो 44,500 का पुट मैंने आप लोगों को शॉर्ट करने के लिए बताया था, 800 900 का प्रीमियम था। आज इसका प्रीमियम इस मूवमेंट के बाद केवल 50 रुपये बाकी है। कितना हैंडसम प्रॉफिट है, राइट? मैं कुछ दिन पहले भी आप लोगों को एक पॉइंट शेयर किया था कि देखिए, अगर इस ट्रेंड में ना अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा है तो ट्रेड कर करके ना अपना माइंड सेट खराब नहीं करना है। कम ट्रेड करो या फिर इंडेक्स को अवॉइड करो। जिस दिन बढ़िया सेटअप आएगा ना, उस दिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना और उस ट्रेड को आखिरी तक होल्ड करना। अदरवाइज क्या होगा ना, गलत ट्रेड करके माइंड सेट खराब होगा और जब अच्छा सेटअप आएगा ना, ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी से यहां से ब्रेकआउट के बाद कितना बढ़िया मूवमेंट आया, राइट? आज तो उम्मीद से कहीं ज्यादा मूवमेंट आया और कहीं फास्ट मूवमेंट आया। और इसी तरीके से मैंने निफ्टी में बताया था, निफ्टी में तो ट्रेड भी कल ही मैंने दिया था और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला है आप सबको। ठीक है, मैंने आप लोगों को मॉर्निंग से ही बताया कि देखिए, एक तो अच्छे लेवल में मार्केट ओपन हुआ है, थोड़ा नीचे आ जाएगा तो चलेगा, प्रॉफिट में रहेंगे अपन। ठीक है, पोजिशन को होल्ड करेंगे, राइट? फिर इवनिंग में भी मैंने मैसेज किया आप लोगों को कि देखिए, कल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और जैसे मैंने बताया था और आप लोगों को कल भी मैं एक लाइन लिखा था यहाँ पर वीडियो में बताया था कि मैं मैक्सिमम प्रीमियम शॉर्ट करने के लिए क्यों बताया था, 20,500। ठीक है, जब मैं हम शॉर्ट का प्लान मैंने बताया था तब लगभग 650 के आसपास प्रीमियम था, अभी 360 के आसपास प्रीमियम क्लोजिंग दिया, तो कितना अच्छा गेन हुआ। अगर ऐसे ही लेवल में आप 20,000 का सेल करते कितना मिलता? इसलिए मैक्सिमम प्रीमियम सेल करना चाहिए अगर आप सेल कर ही रहे हैं तो, और अगर आप पोजीशन हेज कर ही रहे हैं तो। ठीक है, इसलिए आईटीएम प्रेफर करते हैं सेल करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं पोजीशन आप होल्ड किए होंगे। ठीक है, और मुझे लगता है इससे ज्यादा क्या ही मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि आज मैं दिन में था नहीं, मैं मॉर्निंग में 11 बजे चला गया था, हमारे यहाँ मैच है परसों, ओके, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, तो टिकट लेने के लिए काफी लंबा लाइन लगा था। और चूंकि पोजीशन ऑलरेडी बना हुआ है और मार्केट भी अच्छा था, तो मैं दिन भर लाइन में भी लगा था, तो लगभग 6-7 घंटा लाइन लगा आज, फिर आखिरी में टिकट लेके वापस आया मैं, ओके। तो चलिए, इसका भी एक अलग मजा है, 6-7 घंटा लाइन लगना आसान नहीं है। अब मतलब अव्यवस्था भी है हमारे यहाँ थोड़ा सा, ऑनलाइन टिकट बुकिंग किए फिर टिकट कलेक्शन करने के लिए जाओ और 5,000 6,000 लोगों का भीड़ एक काउंटर, ओ हो मत पूछो। चलिए कोई बात नहीं है, सारी चीजें होती रहती हैं। तो दोस्तों देखिए, कल के लिए मुझे लगता है ना बाजार फिर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, मतलब गैप अप ओपन होना चाहिए और गैप अप ओपन होने के बाद पॉजिटिव रहना चाहिए। मेरा व्यू है ना कि 20,200 तक मार्केट मूवमेंट करेगा। ठीक है, अब कल ही कर जाएगा या फिर कल इवनिंग में एग्जिट पोल का भी न्यूज आएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि ये फ्राइडे के दिन करे। तो अगर कल गैप अप ओपन होता है ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा 100 150 पॉइंट गैप अप ओपन हो, जितना भी गैप अप ओपन हो, तो पहली प्रायोरिटी रहना चाहिए हमारा प्रॉफिट बुकिंग करने का। कल एक्सपायरी अगर नीचे आ गया तो फंस जाएंगे। ठीक है, गैप अप ओपन होगा पहले प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अगर फ्लैट खुलता है तो थोड़ा देर होल्ड करेंगे। ठीक है, एक आध कैंडल नीचे आने का वेट करेंगे, फिर कोई ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर उसका स्टॉपस लगा के पोजिशन को होल्ड करेंगे। ठीक है, इस टाइप का हमारा व्यू रहेगा। एटलीस्ट अगर फ्लैट खुलता है तो आधा घंटा आसपास हमें अपने पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा, राइट? तो ये प्लानिंग होना चाहिए हमारा कल के लिए, राइट? तो ज्यादा गैप अप ओपन होगा इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में मार्केट तो कंटिन्यू में ऊपर शायद ना जाए, तो या तो साइड हो जाएगा फिर धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 20,200, ठीक है, और 236 आई थिंक इसका ऑल टाइम हाई है, राइट? तो अगर ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन होता है सपोज करो, तो डेफिनेटली वहां से नीचे आना चाहिए और ऊपर से कोई शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं आईटीएम जैसा। ठीक है,
तो 20,000 के आसपास का या 20,100 का शॉर्ट का प्लान करिए, धीरे धीरे करके प्राइस नीचे आना चाहिए। कोई 20-25 पॉइंट का एसएल रख सकते हैं मॉर्निंग में, एक कोई रेड कैंडल देखने के बाद, अगर ज्यादा गैप अप ओपन होता है तो। लेकिन अगर मान लीजिए, देखिए 20,100 के आसपास निफ्टी है, अगर 20,050 के आसपास ओपन होता है तो साइडवेज जैसा मूवमेंट कर सकता है मार्केट, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग पोजिशन को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि आईटीएम है और मूवमेंट नहीं आएगा तो आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। फाइनली बोलने का मतलब यह है कि इंट्राडे में ट्रेड साइडवेज जैसा प्लान कर सकते हैं, गैप अप खुलेगा तो शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, जिनके पास पोजीशन है वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। गैप डाउन शायद ओपन ना हो, गैप डाउन अगर ओपन हो जाएगा तो 20,000 का लेवल को हम होल्ड करेंगे, राइट। और 20,000 से अगर कोई ग्रीन कैंडल मिलता है तो इंट्राडे में बाई का प्लान आप कर सकते हैं, राइट। तो निफ्टी में इस तरीके से प्लान होना चाहिए। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई ट्रेड सोचना चाहिए। कल के दिन पे फ्लैट खुलेगा तो शायद बाई अवॉइड करेंगे, वो ज्यादा अच्छा आइडिया रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं बैंक निफ्टी में बात करूं दोस्तों, देखिए बैंक निफ्टी में ना एक सपोर्ट पॉइंट बन जाएगा कल के लिए, ठीक है, बाकी ये सब हम डिलीट कर देते हैं। अगर कल नीचे थोड़ा मिल जाता है, ओके, मतलब मैं यहां से बात करूं 200 पॉइंट नीचे, अगर 44,400 आसपास या 450 के आसपास आपको बैंक निफ्टी मिलता है, डेफिनेटली एक प्लान करना चाहिए ग्रीन कैंडल देखने के बाद। और अगेन 44,600 700 का भाव आप देख सकते हैं इंट्राडे में, तो इस टाइप का प्लान होना चाहिए। गैप अप खुलेगा प्रॉफिट बुकिंग करना, ठीक है। और बैंक निफ्टी में तो प्रॉफिट बुकिंग कर ही लेना चाहिए, फ्लैट खुलेगा तभी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि 44,500 का पुट का भाव 50 रुपये बाकी है, सुबह सुबह 20 या 25 रुपये में ओपन होगा, तो बुक कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। चलिए तो ये रहा दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरा व्यू। हालांकि एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखिए अगर बैंक निफ्टी इस भाव के आसपास, जो इसका स्विंग हाई है, इस भाव के आसपास जैसे निफ्टी यहां रुका था, सपोज करो यहां जैसे निफ्टी रुका था, इसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी रुक गया तो समझिए ना 1500 पॉइंट आपको फिर देने वाला है बैंक निफ्टी, शायद ज्यादा, 1500 पॉइंट से कहीं ज्यादा। देखिए इधर का, हाँ 1500-1600 पॉइंट का मूवमेंट आपको देने वाला है, बट इसके लिए ना इसको यहाँ रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर रुक जाए यहाँ पर 3-4 दिन तो बहुत बढ़िया रहेगा, फिर ब्रेकआउट मिलेगा, उसमें ट्रेड प्लान करेंगे, वो ट्रेड हमारा ज्यादा अच्छा रहेगा। या थोड़ा रिट्रेसमेंट ले ले तो बॉटम के आसपास से इधर से कहीं से हमें ट्रेड प्लान करने का मौका मिल जाए तो लोअर बॉटम से प्लान करेंगे, ये हमारा ज्यादा अच्छा ट्रेड लेवल रहेगा ट्रेड करने के लिए, करेक्ट। चलिए तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों को एक स्टॉक सजेस्ट किया था बजाज फिनेंस में, इस एक्सपायरी में बहुत हैंडसम प्रॉफिट दिया है मुझे, लगभग 5-6 लाख आसपास मैंने बजाज में गेन किया है, जो लॉस था पूरा कवर हुआ है। आज मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग किया, देखिए यहाँ पर लगभग 375 क्वांटिटी में, मतलब 3 लॉट में लगभग 50,000, राइट, और 45,000, 20,000, 25,000 समथिंग मैंने पहले बुक कर लिया, तो इस बार बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। फिर मैं क्या किया हूँ, अगले एक्सपायरी का भी इसमें एक स्ट्रेंगल बना लिया हूँ। तो चाहे तो आप इस टाइप के स्ट्रेंगल बना सकते हैं, 6,800 का पुट शॉर्ट कर दीजिए जो 50 रुपये के आसपास मिल रहा है, 7,600 का कॉल सेल कर दीजिए, ठीक है, जो 50 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो दोनों कॉल पुट सेल करके शांति से बैठना चाहिए, ठीक है। ऊपर जाएगा तब भी होल्ड करेंगे, नीचे जाएगा तब भी होल्ड करेंगे, इसके आसपास चले जाएगा तो स्ट्रेंगल, माफ करना, स्ट्रेडल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इसके आसपास चले जाएगा तो स्ट्रेडल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तब तक शांति से बैठना चाहिए। मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छा पैसा आपको मिल सकता है। तो ये प्लानिंग है मेरा, मैं दूसरे डीमेट में बनाया हूँ, अभी सेम पोजिशन मेरा चल रहा है। मैं इंडेक्स में ट्रेड इसमें बना नहीं पाया क्योंकि जितना मेरा लिमिट है सारा लिमिट इस बार खत्म हो चुका था, राइट। तो मैं केवल बजाज में बनाया और अच्छा पैसा मिला, तो मैं खुश हूँ। वीडीएल में ट्रेड आप लोगों का होगा ही, मेरे पास भी अभी ओपन है, राइट। और अभी देखिए एक स्टॉक और शेयर कर रहा हूँ, आप पीआई इंडस्ट्री को ना 4,000 के टारगेट के लिए इसको बुलिश ट्रेड बनाना चाहिए। इसमें ऑप्शन में भी ट्रेड बनाया जा सकता है, एक कॉल बाई करके कॉल सेल कर दीजिए, नीचे की तरफ पुट शॉर्ट कर दीजिए, एक मुझे लगता है अच्छा ट्रेड हो जाएगा, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें प्लान कर सकते हैं, इसका प्लानिंग बहुत सिंपल, ठीक है। मुझे लगता है 3,800 का बाई करना चाहिए और 3,600 का पुट सेल करना चाहिए, एक कॉल बाई करना चाहिए, पुट सेल करना चाहिए और 4,000 का कॉल सेल कर देना चाहिए, ठीक है। आप इसे सेंसिबुल में बना के देखिएगा, सेंसिबुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनके पास जीरोधा के अकाउंट है, जीरोधा के अकाउंट नहीं है तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा। मैं एक स्टॉक और कैश में शेयर कर रहा हूँ, ये है टीवीएस सप्लाई चेन, न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, ठीक है, 208-209 पे चल रहा है, इसको अगर आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं 250 की तरफ इसका टारगेट देख रहा हूँ, आने वाले दिनों में समय लग सकता है। इसी तरीके से नायका अगर आप पहले मिस कर गए होंगे, ठीक है, जैसे इधर मैं नायका को बुक कर लिया था, अब नायका को मैं यहाँ एंट्री किया हूँ, ठीक है, मैं नायका को यहाँ एंट्री किया हूँ। हालांकि जब ये ब्रेकआउट किया था 960 के ऊपर तब भी मैंने आप लोगों को शेयर किया था, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कैश था नहीं, तो
तो मैं अभी नायका में एंट्री किया हूँ। मुझे लगता है नायका ना फिर से मोमेंट देने के लिए तैयार हो रहा है और 200 के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। ओके, तो चाहे तो आप नायका में एंट्री कर सकते हैं स्विंग में ट्रेड लेने के लिए, एक अच्छे लेवल में है। मुझे लगता है इसमें फिर से नया ट्रेड आने वाला है, राइट। तो ये रहा दोस्तों स्टॉक्स के ऊपर व्यू और इंडेक्स के ऊपर व्यू। एक स्टॉक और बहुत अच्छा निकल रहा है, एक्सिस बैंक। मुझे लगता है इसमें भी कोई बुलिश ट्रेड बनाया जा सकता है, थोड़ा नीचे मिल जाए तो 1050 के आसपास। मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा अगर मुझे थोड़ा नीचे मिलता है तो। इस स्टॉक में तो बाई नहीं करूंगा, थोड़ा नीचे मिल जाए, 1-2 दिन नीचे रह जाए या साइड हो जाए फिर मैं इसमें प्लान करूंगा। तो 1100 की तरफ का टारगेट में रखूंगा एक्सिस बैंक में, ठीक है। तो अच्छा मूवमेंट आया है, नजर रखिएगा इन स्टॉक्स में। तो ओवरऑल ये रहा दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरा व्यू और स्टॉक्स के ऊपर मेरा व्यू। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऑप्शन में आज कुछ बात करने के लिए है नहीं, इसलिए ऑप्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।